हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और सोशियोलॉजी के पेपर टू में C7 में एक टॉपिक है हमारे पास, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस पर मैं आपको ब्रॉडर पॉइंट्स दे रहा हूँ एंड आप इन पॉइंट्स को ध्यान रहे, आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने जो GS में सोशल इशूज़ के एग्जाम में। ठीक है, जब आपको GS 1 में सोशल इशूज़ पूछा जाए वहाँ यूज़ कर सकते हैं, एंड अदरवाइज जहाँ भी आपको एथिक्स में से सवाल नजर आए एथिक्स में कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड SA में इस पर ऐसे जुड़े हुए सवाल बहुत आते हैं, तो बिल्कुल लास्ट मिनट टाइप की बात है जानने वाली कि आपको ये आना चाहिए। तो देखो, डिफाइन जो अगर हम करें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को, क्या होता है कि वुमेन को वायलेट किया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो वुमेन है। ठीक है, जेंडर के कारण। अब हम इसका आगे कारण देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि उसके कारण को वायलेट किया गया। और जैसे एग्जांपल हमारे पास कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन फेस करती हैं क्योंकि वो जब वो अपना ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ वाइफ पूरा नहीं करती। अगर ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ हस्बैंड जो पूरा ना हो तो वायलेंस का स्कोप नहीं होता, लेकिन हाँ, वाइफ अगर ट्रेडिशनल रोल पूरा ना करे तो वायलेंस का स्कोप यहाँ सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में क्या क्या शामिल आता है, आपको कीवर्ड बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। एक इसको बोलते हैं, जैसे आप याद रखिएगा हमेशा PPSFS, ये है वायलेंस जो विमेन को आए दिन फेस करनी पड़ती है। जैसे साइकोलॉजिकल वायलेंस, आगे क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सेक्सुअल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस एंड स्पिरिचुअल वायलेंस। ठीक है, PPSFS याद करने की ट्राई कीजिएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल वायलेंस क्या होती है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जो अटैक करे, जैसे चिल्लाना औरतों पर बहुत ही नॉर्मल देखोगे आप, चिल्लाना, इंसल्ट्स है ना, मजाक उड़ाना, थ्रेट कर देना, अब्यूजिव लैंग्वेज और औरत के खिलाफ यूज करना। एंड आप इंक्रीजिंगली देखते हो जो अब्यूजेस हैं हमारी उसमें क्या है, औरत को ही डिग्रेड किया गया, ह्यूमिलिएशन, हैरेसमेंट, कंटेम्प्ट, ये सभी चीज़ें। और कि इमोशनल केयर से वंचित रखना, आइसोलेट कर देना, तो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करने देना, ये सभी क्या है साइकोलॉजिकल वायलेंस के हमारे पास एग्जांपल्स। देन आता है आपका फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में कहते पुशिंग एंड शविंग तो है ही है, हिटिंग, बीटिंग, फिजिकल अब्यूज, वेपन, टॉर्चर, म्यूटिलेशन, मर्डर तक, ठीक है, सभी ये फिजिकल वायलेंस का पार्ट है। देन सेक्सुअल वायलेंस बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है अब तो, एंड ये है नॉन कंसेंस, जो कि कंसेंसस नहीं है, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, कि फोर्स किया गया, हैरेसमेंट है, अनवांटेड सेक्सुअल टचिंग है, ठीक है। एंड इंसेस्ट में भी अभी हमें देखने को मिलता है कि इंसेस्ट के भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। एंड देन इंसेस्ट मतलब कि विद इन द फैमिली, कि जो किसी फैमिली मेंबर ने ही, तो आप क्या रेप वगैरह की ट्राई करना, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल वायलेंस कि विमेन को पर्टिकुलरली क्या, जैसे कि फाइनेंशियली जो आप वंचित रख दो, इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं बनाते, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का पार्ट वहां पर या तो उसको डिप्राइव कर दिया औरत को, या फिर औरत को लोअर इनकम दी, ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाए। और एंड देन स्पिरिचुअल वायलेंस, स्पिरिचुअल वायलेंस जनरली ऐसा होता है कि मान लो अगर एक औरत है, वो उसका कोई अपने घर में जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, जब शादी होकर कहीं और चली गई तो वहाँ की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, तो अपनी प्रैक्टिसेस को फॉरबिड मतलब और भुला देना पड़ता है और दूसरी प्रैक्टिसेस ही से ही आगे फॉलो करना पड़ता है जहाँ शादियों को जा रही है। तो ये PPSFS याद रखिएगा कि अपने जो औरत के सारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सेक्सुअल एंड देन फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वायलेंसेस। ओके, टाइप ब्रॉडली देखते हैं, जैसे रेप और भी जैसे आपको देखते हैं, एंड मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, कि जनरली इस तरह से कि औरत के जैसे डिग्निटी को लो करना है ना। एंड देन सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, और भी हैं सेक्सुअल अब्यूज़ वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस, जितने आप सोच सकते हैं ऊपर हमने एग्जांपल देखे हैं, आप सब वो लिख सकते हैं और आगे, ठीक है। देन कॉजेज, अब कॉजेज क्या हैं कि ऐसे क्यों होता है। एक UN की बहुत ही एक बढ़िया रिपोर्ट है, हम कोट कर सकते हैं, GS में भी कर सकते हैं, UN की रिपोर्ट है, जैसे एक राशिदा मंजू थी, आप नाम सर्च करेंगे, साउथ अफ्रीका की बेस्ड है वो, तो उन्होंने वो एक स्पेशल रैपर्चर थे जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बिठाया गया, एंड उस पर पूरा रिसर्च करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 6 अंडरलाइन कॉजेज हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के। उसको भी कीवर्ड बना के याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है अपने GS में, पूछा जाता है GS 1 में, 4 में, एंड जो सोशोलॉजी में तो पूछते ही पूछते हैं। इसका कीवर्ड क्या बनाया हमने, HCS PWG। देखो PWG कैसे क्या बोलते हैं, जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर ग्रुप होता है ना, PWG प्रिजनर्स ऑफ वॉर ग्रुप, HCS एक एग्जाम होता है, तो HCS जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो प्रिजनर ऑफ वॉर टाइप उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। HCS PWG, जैसे भी आपका मन करे कुछ और बनाना कुछ और बना लेना, आपकी मर्जी है। ये जो याद रट्टाफिकेशन टाइप के जो हमारे पास कुछ छोटे छोटे तरीके हैं वो भी आपको कन्वे करना चाहते हैं। ओके, पहला, आगे ही सब कुछ एक्सप्लेन रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिस्टोरिकली अनइक्वल, कि हिस्टोरिकली देखा गया कि विमेन जो हैं वो सेंचुरी से वो उनको मेन से कम आंका गया, एंड तो उसके कारण हुआ क्या कि वायलेंस बिकेम एक ऑटोमेटिक तरीका, कि किसी की पोजीशन हायर है किसी की लोअर है, तो इक्वल थे ही नहीं वो,
इक्वल थे ही नहीं, तो हिस्टोरिकली होता गया, तो इनग्रेन हो गया सोसाइटी के दिमाग में कि ये वायलेंस एक और एक जस्टिफाइड तरीका है, सोसाइटी उसको बहुत बुरा नहीं मानती थी फिर। एंड देन उसके बाद है कल्चर, कि कल्चर जस्टिफाई कर रहा है कि जैसे अगर औरत ऐसा कर रही है तो जो मेन के लिए या घर के जो जो बड़े हैं उनके लिए इट इज़ ओके टू हिट अ वुमन। ये जो क्या किया गया, जैसे जो कल्चर ने और जस्टिफाई किया गया सेक्सुअलिटी का कंट्रोल, कि जो विमेन की सेक्सुअलिटी है वो कंट्रोल में रहेगी तो क्या है समाज के लिए, परिवार की इज्जत के लिए, सबके लिए अच्छा, ठीक है। तो सेक्सुअल बिहेवियर प्रेफरेंसेस एटीट्यूड वगैरह ये सभी क्या हुआ, कल्चर ने ही जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि इट इज़ ओके टू कंट्रोल इट, एंड इसके लिए अगर वायलेंस करनी पड़े तो इट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। देन उसके बाद देखिए, अगर जैसे यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं जैसे कि ये कल्चर में आगे, कि कल्चर में आपने यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा शुरुआत में कि कल्चर का एक और हमारा पार्ट क्या है, कि कस्टम्स जो ट्रेडिशंस और रिलीजन जो है हमारे, उसमें अगर विमेन को जो रोल असाइन किए, हमने सबसे पहला पॉइंट ऊपर देखा था, जो विमेन को जो रोल असाइन किए हैं वो अगर रोल ट्रेडिशनल रोल अगर औरत पूरे नहीं करती तो उसके खिलाफ वायलेंस बहुत ही ऑफन रिजॉर्ट की जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे कि हिस्टोरिकली एक अनइक्वल रहे, कल्चर भी एक्सेप्ट करता है, सेक्सुअलिटी काफ़ी कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, कल्चर ऐसा कल्चर है, HCS हो गया। देन प्रिवेसी, यहाँ पर ये प्रिवेसी है, वी है, ये प्रिवेसी डॉक्ट्रीन की प्राइवेट मैटर है, ठीक है, प्राइवेट मैटर है। कैसे, कि अगर वायलेंस हो रही है कि घर के बीच में अगर लेट्स से अगर औरत को पीटा जा रहा है तो उसको प्राइवेट मैटर करके कि हमारे घर का मामला है, बाहर के लोगों को इंटरवीन करने नहीं दिया जाता, एंड बाहर के लोग इसलिए इंटरवीन करते नहीं कि उनके घर का मामला है, एंड इसीलिए औरत की वहां पर जो वायलेंस जो औरत को विटनेस करनी पड़ती है प्रिवेसी के कारण, ठीक है। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कौन सा वाला, जो जंग के मैदान में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है इसका मतलब क्या है, वॉर, कि ये जो यहाँ पर ये वॉर की बात हो रही है, कि जैसे वॉर होती है आप इमेजिन कीजिए कि वॉर में पर्टिकुलरली कितना ऑफन आप देखते हैं कि जो सोल्जर्स वगैरह को मार देते हैं, एंड जो दूसरी जो ऑक्यूपाइंग जो कंट्री होती है जो ऑक्यूपाई करती है वो आके वहाँ की विमेन को वायलेट करती है, विमेन के साथ रेप्स होते हैं, है ना, एट्सेट्रा, एक तरह का ये एक रिवेंज वाला वेंजियंस वाला मैकेनिज्म बना लिया है कि जब भी जंग होगी औरतों को अगर हमने उनकी औरतों को जाके रेप वगैरह कर दिए तो हम देखो हमारी जीत है इसमें, ऐसे वाले एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। साउथ कोरिया की आपने शायद नबी न्यूज़ सुनी हो, वो जो प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ साउथ कोरिया की इतनी सारी औरतों को देवर पोस्ट इन टू प्रोस्टिट्यूशन जो वहाँ पर जब वो ऑक्यूपाई किया गया था जापान द्वारा, तो आज तक जापान उसके लिए माफ़ी मांगता है, कि ये वॉर वाले जो वॉर में एक मैकेनिज्म बन के निकला है कि मिलिट्री टैक्टिक बन के निकला है कि विमेन को वायलेट किया जाए ऑपोजिट। और ये आज ऐसा नहीं है कि जो प्लंडरिंग वगैरह होती थी बहुत पहले जब वो प्लंडरर्स आते थे तब भी ऐसा ही करते थे, प्लंडरिंग के साथ साथ दे यूज टू रेप, ओके। एंड देन गवर्नमेंट का भी इनएक्शन, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने भी प्रिवेंट और एंड करने के लिए इस जो इनफ स्टेप नहीं लिए, एंड टॉलरेंस का एक तरह से वहां पे दिखता है एक नज़रिया कि टॉलरेट किया जा रहा है, इट इज़ ओके कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार ऐसा नहीं है बिल्कुल, जैसे देखिए कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर सरकार बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करती, एंड वहाँ पर कि जैसे किसी किसी जगह पे होता है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता, तो वो अगर ये वाला मैकेनिज्म होगा कि सरकार बोले कि नहीं बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है कि किसी औरत के साथ कुछ अगर इस तरह की वायलेंस हो जाएगी, तो सिंस गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है तो इसलिए ये चलते भी जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करती थी, लेट्स से कि अगर आप सरकार के खिलाफ हथियार उठा लो और तो सरकार बर्दाश्त नहीं करती, इमीडिएटली यू आर किल्ड, है ना। तो लेकिन ये विमेन के खिलाफ अगर हथियार उठा लो, विमेन के खिलाफ अगर आप कुछ ऐसी बातें करो और इंसल्टिंग मॉकरी वाले जो बात कर रहे हैं और जो एट वर्क प्लेस, तो उसमें सरकार कह रही है ठीक है देखना पड़ेगा करना पड़ेगा पूरी तहकीकात होगी सब कुछ। तो इसीलिए जो लैक्स एटीट्यूड सामने निकल के आता गवर्नमेंट का इनएक्शन, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ ग्लोबल, ये काफ़ी ग्लोबल लेवल पर है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है, मैटर ऑफ डिग्री है, मैटर ऑफ टाइप नहीं है, ओके। अब अगला सवाल हमारे पास उठता है कि क्या किस तरह से ग्लोबलाइजेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। तो एक बात यहाँ जानने वाली है कि जो जैसे ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रही है, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी रैशनैलिटी ये फ्री मार्केट वगैरह ग्रो कर रही है, मिलिट्री स्टेट भी ग्रो कर रही है पैरेलली, है ना, मिलिट्री जो
कि जो मिलिटराइजेशन और जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें ग्रो करती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नई नई तरह की हमें वायलेंस देखने को मिलती है अगेंस्ट वुमेन। देखो सबसे पहले ये आपको जो नीचे लिखा हुआ है इसका यहाँ ऊपर समरी लिखने की ट्राई की है कि सबसे पहले कंज्यूमरिज्म, जो दीपांकर गुप्ता लिखते हैं कि कंज्यूमरिज्म बढ़ा ग्लोबलाइजेशन के चलते, एंड तो कंज्यूमरिज्म के चलते क्या हुआ कि डाउरी बढ़ी, डाउरी ठीक है, डाउरी की के रिलेटेड डिमांड्स बढ़ी एंड डाउरी की टाइप्स बढ़ी, इतनी महंगी महंगी बिग फैट वेडिंग्स हो रही हैं, कंज्यूमरिज्म ही है वो कि लड़की की शादी में हमने 10 करोड़ लगा दिया, 20 करोड़, ऐसे नई नई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है कि कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हुआ। देन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो फीटीसाइड इंक्रीज हुआ, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं लेकिन आपने कोट करने नंबर मिलते हैं इनके, ठीक है। एंड देन इंडस्ट्रियलाइज हुआ, जैसे जैसे प्रोसेसेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइज होता गया तो जो लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय होते गए, जो जो किसानों के गांव वगैरह के औरतों को घर से बाहर निकल कर आना पड़ा एंड उसके कारण जो वहां से जो शहरों में आना पड़ा, तो उसका भी हमें इम्पैक्ट दिखता है, एडवर्स इम्पैक्ट कि विमेन को अकॉर्डिंगली रिसेप्शन कहीं, जैसे विमेन को आपको क्या कहते हैं कि एक सिमिलर जॉब के लिए, मान लो कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए वो, तो उनको सिमिलर सैलरी नहीं मिलती, सैलरी कम मिलती है। एंड करुणा अहमद कैसे लिखते हैं इसको कि रिसेप्शनिस्ट वगैरह में जनरली आप देखते हो तो जितनी भी लो पेड एंड लो स्टेटस जॉब्स होती हैं वो कहाँ हैं, किनके, जो औरतों के पास ही हैं मेजरली। एंड मार्केट कंपेटिटिव होती गई तो सैलरीज कम से कम देनी थी तो लो वेजेस दी गई किसको, विमेन को, बिकॉज विमेन दे अग्रीड कि ओके वी आर रेडी टू वर्क एट अ लोअर वेज। एंड देन उसके बाद स्टेट, स्टेट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट ने एजुकेशन वगैरह जो स्पॉन्सर कर दी, एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला हाँ आप आ जाओ, लेकिन सेफ इन्वायरमेंट नहीं दिया, तो उसके कारण कहीं ना कहीं से कि जो मॉडर्न उसके दबाव में स्टेट ने एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट देनी शुरू कर दी लेकिन सेफ इन्वायरमेंट देना नहीं शुरू किया, ठीक है ओके। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं आप इनको क्विकली देख सकते हैं। इंडिविजुअल क्या कर सकता है, ये हमारे पास नोट्स में बना हुआ सवाल, एक यूपीएससी ने एक बार एथिक्स में पूछा था कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है कि वायलेंस को एंड करने के लिए। सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ही फॉर शी कैंपेन चल रहा है, एंड देन एक एमा वॉटसन जो यूएन की प्रतिनिधि बन गई थी फॉर ये ओवरऑल अवेयरनेस रेज करने के लिए, ही फॉर शी में वही है कि अब मेन की ड्यूटी भी बनती है कि वो भी दे बिहेव इन अ सर्टन वे विच इज़ नॉट डेट्रीमेंटल फॉर वुमेन, एंड वुमेन की वायलेंस वगैरह को वो प्रमोट ना करें। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं मेन में कहते हैं कि कल्चर बदलेगा तो ओवरऑल जो परपेट्रेटर है उसी को बदलना जरूरी है सबसे पहले तो, एंड देन विमेन को एम्पावर करना एटसेट्रा, एंड देन जो ब्रेक द साइलेंस कि कभी भी माफ ना किया जाए, जो अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हुई है चलो कोई बात नहीं फिर क्या हुआ उसने कर दिया, नहीं नहीं नेवर कंडोन, ठीक है, और हमेशा ही अपनी आवाज उठाओ उसके खिलाफ और रिपोर्ट भी करो। एंड देन लॉ जानो, सबसे बड़ी बात कि औरतों को लॉ के बारे में नहीं पता तो इसीलिए वो दे डू नॉट इवन नो कि उनके पास क्या क्या रिकोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आप बोलो ना इंडिविजुअल क्या कर सकता है, आप बताइए कि इंडिविजुअल साइलेंस ब्रेक करने में मदद कर सकता है, इंडिविजुअल जो औरतों को लॉ के बारे में बता सकता है कि लॉ आपके पास क्या क्या यहां पे रिकोर्सेज अवेलेबल है, सॉलिडैरिटी, ठीक है, कि आप जैसे कि फ्रेंड्स कॉलीग्स वगैरह सब इकट्ठे कर सकते हैं वहां पर कि आप चलिए साथ में हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक कुछ सॉलिडैरिटी दिखाते हैं किसी अगर विक्टिम के खिलाफ, ठीक है, कि विक्टिम के साथ कि विक्टिम आपको आपको यहाँ पे जिसने जो भी किसी ने आपको मारा या वायलेंस की उसके खिलाफ आप जाके एक्शन लीजिए, ठीक है, सरकार को बोलिए, क्योंकि ये इस तरह से डेमोक्रेसी में सब चीज़ें करती है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट एजिटेशन वगैरह, तो दबाव तो बनता है। एंड देन विमेन के जो विमेन राइट्स ग्रुप हैं उनके साथ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रेन करा सकते हैं औरतों को, खुद भी ट्रेन हो सकते हैं। एंड देन उसके बाद अपने राइट्स जानी एज अ विमेन, एंड इंडिया में रिसेंटली आप बता सकते हैं बहुत सारे इनिशिएटिव भी हुए हैं जो कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन को चाहते हैं रोकना, जैसे आपने देखा भी होगा मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज़ मावा करके, उसके फरहान अख्तर भी कभी कभी उसकी एड में आते हैं, देन बेल बजाओ कि रिंग द बेल, कि बेल बजाओ में ऐसा होता था कि आप मान के चलिए कि पड़ोस के घर में अगर वायलेंस हो रही है तो जा वहाँ पे बेल बजा के चले जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई बाहर से कोई आ गया तो जनरली वायलेंस रुक जाती है। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं औरतों को थोड़ा सेफ करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड देन बेशर्मी मोर्चा, बेशर्मी मोर्चा में स्लट वॉक करके बहुत फेमस हुआ था, तो जो स्लट वॉक में ऐसे किया गया था दुनिया भर में जो जो विमेन थी आइदर देवर गोइंग वेरी स्कैंटली ड्रेस्ड और नॉट ड्रेस्ड एट ऑल, कि हम जैसे भी चाहें ड्रेसअप होना हमारी मर्जी है, कि जैसे वो बोलते थे कि हमारे कपड़ों में बुराई नहीं है आपकी नज़रों में बुराई है, कि दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू सी अस, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि टोटली जो क्लैड विमेन होती हैं बिल्कुल ढके हुए कपड़े उनका भी रेप कर देते हैं लोग,
तो इसीलिए इट इज़ नॉट अबाउट द ड्रेसिंग, इट इज़ अ लॉट अबाउट जो देख रहा है उसको और किस तरह से उनको कि इस बात को कि अच्छा उसने कपड़े कम पहने थे तो उसके लिए उसका रेप हो गया. नो नो नो, इट इज़ नॉट नेवर अबाउट दैट. तो इसको बदलना है कि जो जिसने रेप किया उसके दिमाग में और उसके जो सोशलाइजिंग में उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ ना कुछ बात सही नहीं थी, तो इसी कारण से उसको करेक्ट करना है. ग्रेजुअली लंबा प्रोसेस है तो लेकिन होगा. ब्लैंक नॉइस कि यही विमेन जो हैरेसमेंट ईव टीजिंग वगैरह की बात होती है इसके लिए पब्लिक डायलॉग वगैरह शुरू करना, ये एक जो गुलाबी गैंग आपने मूवी भी देखी होगी वहाँ पर जो ऐसे था, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी अप्रिशिएटेड क्योंकि ये मॉब लिंचिंग टाइप वाला ही एस्पेक्ट है कि लॉ वगैरह खुद, क्योंकि ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो गई है, कोलैप्स हो गई है, आपको उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, तो ही आपने क्या किया, खुद ही लाठी उठाई, आपने जाके पीटना शुरू कर दिया. ठीक है, और इसीलिए फिर ये हुआ था कि कहीं, क्योंकि जनरली आपने शायद मूवी देखी हो उसमें भी था ऐसा कि ऑफिशियल्स वगैरह भी थे, इवन दे वर नॉट एक्टिंग, है ना, आप बोल सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं फेल हो गई है, कुछ काम नहीं कर पाती है. तो इसीलिए ज़रूरी है कि गुलाबी गैंग टाइप जो चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दुरुस्त करना है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है. ठीक है, ओके. देन अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैं आपको और यहाँ अगर सोशो के पॉइंट से देखें तो कुछ और यहाँ स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ. जैसे वीना दास मिरर्स ऑफ वायलेंस में लिखती हैं कि कहीं ना ये पेट्रियाकल कंस्ट्रक्ट है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, जैसे रेप हैरेसमेंट वगैरह ये सब कुछ मिलाकर, कि कहीं ना कहीं ये जो कि एक ऐसी नोशन, एक ऐसी धारणा के कहीं पीछे कहीं दिखाता है ये कि औरत को हमेशा ही हमेशा मेल प्रोटेक्शन चाहिए, कि अकेले औरत सरवाइव नहीं कर सकती अगर मेल उसके साथ में नहीं होगा. ठीक है, और जैसे कि आप देखते हैं ना ये धारणा कहीं ना कहीं फिर पीछे रह गई, जैसे जो निर्भया केस था, निर्भया केस में देर वॉज अ गाय, लेकिन क्या हुआ है ना, तो वहाँ पर ही वॉज आउट नंबर्ड. तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑफ वुमेन तो प्रोवाइड करने के लिए मेजर सोसाइटल लेवल पर लाभ लाने जरूरी होंगे, अदरवाइज सोसाइटी काफी हाईली पेट्रियाकल है. एंड देन मनु में, क्योंकि जो ऋषि मनु ने एक किताब लिखी थी अपनी, उसमें वो लिखते भी हैं कि उनका कोड मतलब उनके लॉ में क्या था कि अ वुमन ठीक है शुड नेवर बी इंडिपेंडेंट, हर फादर हैज अथॉरिटी ओवर हर इन चाइल्डहुड, हस्बैंड इन यूथ एंड सन इन ओल्ड एज. तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पेट्रियाकल माइंडसेट को प्रमोट भी करती है एंड दर्शाती भी हैं कि क्या चल रहा है. एंड देन उसके बाद अगर रेप के टाइप्स देखें, विद इन फैमिली हो सकता है, इंसेस्ट है ना, एंड कास्ट डोमिनेशन या क्लास डोमिनेशन भी, अमीर वर्सेस गरीब वाला भी है. एंड देन कास्ट वाला कैसे कि हायर कास्ट रेपिंग लोअर कास्ट, बिहार में इसके बहुत सारे केसेस सामने आए थे 1970s में, जहाँ पर हायर कास्ट में एक प्रैक्टिस थी लोअर कास्ट की विमेन के घर में जाके कभी भी विमेन को वो रेप कर सकते थे. एंड देन जो चिल्ड्रन का, माइनर्स का है ना, एंड जो लोग जो अनप्रोटेक्टेड हैं उनका रेप बहुत ही कॉमन है ये. एंड देन उसके बाद वॉर्स एंड रायट्स में गैंग रेप्स का होना, कस्टोडियल रेप्स, ये रेप्स की बहुत सारी तरह की हमको पता लगती हैं टाइप्स हैं जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ऑफ अ वुमन इट कम्स फोर्थ सामने दिखती है. डाउरी पे अगर दो चार आपको पॉइंट्स अगर एक्स्ट्रा लिखने हो कभी तो श्रीनिवास की वो किताब में डाउरी में क्या लिखते हैं, किताब लिखते हैं वो सम रिफ्लेक्शंस ऑन डाउरी, वो कहते हैं जो डाउरी से लेके रिलेटेड जो डेथ हो रही हैं वो मॉडर्न डे सती हैं. कहते सती आपको लगता खत्म हो गई है, सती खत्म नहीं हुई, मॉडर्न डे जो डाउरी डेथ्स हैं देज आर मॉडर्न डे सती, बहुत ही स्ट्रांग बात बोलते हैं दीपांकर गुप्ता. वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो डाउरी और उसकी जो ग्लोरिफिकेशन हो रही है कि हमने इतना दहेज में दिया, हमने ये गाड़ी दी, उन्होंने वो दिया, वो कहते हैं कहीं ना कहीं ये कंज्यूमरिज्म एक बहुत ही हाई लेवल पर, बहुत ही एक हाई लेवल ऑफ कंज्यूमरिज्म की कहीं ना कहीं हमें एक दर्शाता है, एक मैनिफेस्टेशन है ये. बीना अग्रवाल लिखती हैं बहुत अच्छी बात, वो लिखती हैं कि कहीं ना कहीं जो डाउरी है वो रिफ्लेक्शन है कि वुमेन की वर्थलेसनेस अज्यूम्ड बाय सोसाइटी, कि किस तरह से पेट्रियाकल सोसाइटी वुमेन को वर्थलेस मानती है, उनको लगता है कि हमारी लड़की को अगर आपने रखना है तो थोड़े से पैसे भी दे रहे हैं, आपको दहेज भी दे रहे हैं तो रख लीजिए. ठीक है, तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं कितनी स्ट्रांग नोशन इसको बिल्ड करता है कि हमारी लड़की में तो कोई ऐसे है नहीं है कि इतनी पढ़ लिख गई तो कुछ कर लिया, वो खुद में इतनी वर्दी नहीं है, आपको पैसे भी हम देंगे, हमारी लड़की को रख लीजिए. ठीक है, तो बिना अग्रवाल ऐसे बताती, बीना अग्रवाल इज वेरी एक्टिव, शी स्टिल राइट्स, तो आप उनको और पढ़ सकते हैं, आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, एंड देन वी गीता लिखती हैं, किताब है पेट्रिया की, वो कह रहे हैं क्योंकि इनहेरिटेंस औरतों को नहीं दी गई तो इसलिए डाउरी दी जाती है कि उनको उनका हिस्सा मिल जाए. एंड देन शुला स्मिथ फायरस्टोन भी लिखती हैं कि अब वुमेन की स्पेशल हेल्थ नीड्स भी हैं कुछ ना कुछ, वो भी रिकग्नाइज नहीं हो पाती
एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वुमेन, आप जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को कि पर्टिकुलरली जैसे एवरी फोर वीक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन का है ना एटसेट्रा, तो स्पेशल हेल्थ नीड्स वुमेन की हैं एंड उस पर्टिकुलर केस में वुमेन और वल्नरेबल हो जाती हैं एंड ये जैसे लेट्स से प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन और जैसे वहाँ पर अब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो लेकिन हाँ, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि वुमेन की डिपेंडेंस कम होती जा रही है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंस काफ़ी कम कर दी है, तो लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, इसको लेकर लॉ बनाने जरूरी है सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड देन प्रोस्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ पर जो ऐसा है कि प्रोस्टिट्यूशन में बहुत बार नॉन मतलब मेजॉरिटी देखते हैं हम कि नॉन वॉलेंट्री भी वहाँ लोग वहाँ पर जो औरतें हैं वो अवेलेबल हैं, कि वो खुद की मर्जी से नहीं आई थी, सिचुएशनल कंपल्शन थी जिसने प्रोस्टिट्यूशन को वहाँ पर उनको फोर्स किया। एंड जो सोशल रेप्रोबेट्स मतलब जिनको समाज ने बोला कि आप सिनर हो, है ना, कि आपको सिनर माना गया, सिन किया आपने, कोई पाप किया, तो सोशल रेप्रोबेशन हो जाती है बहुत हाई लेवल की। देखो यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूशन को जो विजिट कर रहे हैं मेल, उनकी कोई सोशल वहाँ पर ऐसे वो उनको सिन पापी दोषी नहीं करार दिया गया, लेकिन जो हाँ वुमेन इन्वॉल्व है उनको बहुत ज़्यादा दोषी मान लिया गया, ठीक है, मतलब सामाजिक दोषी, जिसको सिनर बोलते हैं हम, है ना, पापी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगेन मैनिफेस्टेशन ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट और इकोनॉमिक कंपल्शन वगैरह, इन सब ये जो सभी लोग हैं ये प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले जाते हैं क्योंकि समाज में और कहीं जगह नहीं है। एंड देन उसके बाद जो वायलेंस की और वाली फॉर्म भी देख सकते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन इन फूड हेल्थ, है ना, हमने जो बात की ये वाली शुरा स्मिथ फायरस्टोन की, कि हेल्थ की नीड्स हैं वो एड्रेस नहीं होती और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड देन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन। एंड देन सॉल्यूशन क्या है कि जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है हमारे पास, डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट है, एंड देन प्री नेटल जो PCPNDT है, इंस्टीट्यूशन बनाए जाए जैसे जो चाइल्ड एंड वुमेन वाला, हमारे पास एक नेशनल एक लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, मिनिस्ट्री अवेलेबल है वुमेन एंड चाइल्ड की, उनको ऐसे हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर प्रमोट करना पड़ेगा वुमेन एंड चाइल्ड की सेफ्टी। एंड देन उसके बाद NGOs वगैरह को भी हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए लेकिन एंड में आप बता सकते हैं कि ऑन्द्रबिथे ने हमें बताया कि लॉ सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लॉ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा किस दिशा में जाना है, सोसाइटी को उस दिशा में चलना है, किस तरह से चलना है ज़रूरी है। जैसे जो हमारा अभी हम देखते हैं जो प्री कॉन्सेप्शन वाला जो प्रिंसिपल शुरू हुआ था, लेट्स से कि अल्ट्रासाउंड करा के आप अपना सेक्स डिटेक्शन करा सकते हैं बच्चे का, तो वो शुरू इस तरह से हुआ था कि बहुत सारे लोग लड़का पाने के लिए बार बार बच्चे पैदा कर रहे थे, सरकार ने अलाउ कर दिया कि आप देख ही लीजिए कि आपका लड़का है या लड़की, तो और अकॉर्डिंगली आप अबॉर्ट करा सकते हैं। तो उससे प्रोसेस शुरू हुआ सरकार ने, लेकिन लॉ ने, सोसाइटी ने क्या किया कि लड़कियों को मारना ही शुरू कर दिया। तो सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि किस दिशा में लॉ को हम ले जाएंगे, किस दिशा में हम लॉ को इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो इसीलिए सोशल लेवल पर बदलाव नहीं आएंगे जब तक कि मानसिक रूप से जब तक हमारे दिमाग में लड़कियों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक लॉ सिर्फ दिशा दिखा सकता है उस दिशा में चलना है कि नहीं, वो सोसाइटी पर ही निर्भर रहेगा। एंड इसीलिए कल्चर एंड जो फैमिली, ये यहीं पर ही है जो सोसाइटी जहाँ बसती है, सोसाइटी कल्चर में ही है, सोसाइटी फैमिली में ही है। तो जब तक यहाँ बदलाव नहीं आएगा तो बदलाव लाना लॉ के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा टॉपिक था, एक और टॉपिक डाल रहा हूँ मैं फटाफट से ताकि आपका और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपने पढ़े हुए हैं सभी, बस कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले और कुछ कीवर्ड डालते रहूँगा मैं, टॉपिक देखते रहिए आप भी, ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।